अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका अपना जहांगीर शान। और व्यूवर्स, क्रिकेट में आपने एक नाम सुना होगा, सर विमन रिचर्ड, जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूं। और मुझे यकीन है कि आप में से भी काफ़ी ऐसे हमारे दोस्त होंगे जो कि सर विमन रिचर्ड के बहुत फ़ैन होंगे। तो क्रिकेट में तो ये नाम मैंने सुना था और आपने भी सुना होगा। तो एक रिसेंटली निजी महफिल थी एक जगह, तो मेरी वहाँ एक मुलाकात होती है एक ऐसे आर्टिस्ट से कि जो गज़ल गीत बड़े सुर में गा रहे थे, और वैसे भी जो सुर में बात करता है या सुर में गाता है, तो आप यकीन मानिए कि मैं दिल से उसका अदब करता हूँ, सुर वाले का जो सुर में होता है। तो उनसे जब मैंने उनका नाम पूछा कि सर आपका गुड नेम क्या है, तो जब उन्होंने मुझे बताया कि आई एम रिचर्ड, तो मैं बड़ा शॉक्ड हुआ कि म्यूज़िक की दुनिया में, क्रिकेट में तो था रिचर्ड, लेकिन म्यूज़िक की दुनिया में मैंने अपनी लाइफ में पहली दफ़ा ये नाम सुना। और सुर में भी बहुत अच्छा गाते हैं, और तलफ़ुज़ के हिसाब से क्या कहने उनके। तो मैंने उनको अपने स्टूडियो में दावत दी कि रिचर्ड साहब का आप भी दीदार करें और उनकी गज़ल गायकी जो है आप भी इंजॉय करें, आप भी इंटरटेन करें। तो आज हम आपको रिचर्ड साहब से मिलाते हैं और उनसे बातें भी करते हैं और उनसे कुछ गज़ल गीत भी सुनते हैं। तो जी सर, कैसे आप? खैरियत से हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। तो मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा अपना तारुफ जो है वो आप खुद से मेरे व्यूवर से मुखातिब हों। ठीक जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम रिचर्ड सनी महबूब है, और मुख्तलिफ शहरों में रहे, मरी, गुजरांवाला और लाहौर। तो आखिरी पड़ाव जो अभी वो लाहौर में है। तो एक उम्र गुजर गई यहाँ पर, बचपन कुछ गुजरांवाला में और कुछ मरी में गुजरा। म्यूजिक में कैसे है? म्यूजिक में बचपन से शौक था मुझे, और पापा को देख देख के, पापा पियानो बजाते थे चर्च में, उनके साथ हम खड़े होते थे क्वायर। फिर तो घर से मिला ना क्वायर में, तो वो फिर उनको देखा, फिर नकल की उनकी, और फिर बाजा घर में था उसको बजाना शुरू किया। बजता नहीं था, लेकिन एक गजल निकाली, दूसरी निकाली, चौथी निकाली, फिर काफी सारी होगी, फिर ऐसे चल सो चल। अच्छा, ये जो सर नाम रखा था आपका, ये रिचर्ड जो क्रिकेट में है उनसे इंस्पायर होकर रखा था कि वैसे ही घर वालों ने रखा था, पेरेंट्स ने? ये असल में पेरेंट्स तो नहीं रखा था, पर पेरेंट्स ने एक नाम नहीं रखा था, ये नाम रखा था। मैं जिस जगह हमारे टैच थी, जीसस एंड मैरीज कॉन्वेंट मरी, वहां पर जो मेरी डॉक्टर थी जिनके हाथों से मैं पैदा हुआ, तो उन्होंने मेरा ये नाम। तो फिर वो क्रिकेट की पहल होगी ना, रिचर्ड साहब की पहल। रिचर्ड साहब थे, रिचर्ड उन्होंने मेरा नाम रखा। तो आपके जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं पाकिस्तान में, या हमारे जो हमसाया मुल्क है भारत, तो वहाँ पे आपका फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, और यहाँ पे पाकिस्तान में आपका फेवरेट जो है म्यूजिक डायरेक्टर वो कौन है? भारत में तो नशा साहब मेरे फेवरेट है, रफी साहब को। और पाकिस्तान में? यहाँ पर काफी म्यूजिक डायरेक्टर्स है जिन्होंने कुछ गजल्स मेडिसन साहब को डायरेक्ट करवाई, वो जहाँ को गवाई, वो म्यूजिक डायरेक्टर्स काफी सारे हैं। मैं किस किस का है बारी बारी नाम नहीं ले सकता, लेकिन बहुत से अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर पाकिस्तान ही है। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो आज मेरे व्यूवर्स को कुछ सुनाना पसंद करेंगे कि एक आप लता जी का गाया करते हैं, जो आपने उस दिन मुझे सुनाया था। अच्छा,
बड़ा सॉफ्ट सा नंबर है वो। अच्छा, वो चैन से हमको चैन से वो मेरे व्यूअर्स की नजर करें ना प्लीज। ठीक है, मैं आपको सुना, ठीक है।
जाने की जरूरत।